मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मी घाट दरभंगा। लांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। दरभंगा ऑडिटोरियम में एमएलसी हरीश साहनी के द्वारा और सबसे पहले 562 आए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बैठने की प्रक्रिया। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए वीक्षकों का हुआ रेंडमाइजेशन अंबेडकर सभागार में। दरभंगा ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बोले संजय जायसवाल। दरभंगा में यातायात थाने के द्वारा 3 गाड़ियों को लरियासराय टावर नो पार्किंग जोन से उठाया गया जुर्माने के लिए। दरभंगा में सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर के पुलिस चौक चौराहों पर तैनात दिखी। दरभंगा डीएमसीएच प्रचार ने कहा कि 235 करोड़ रुपए का आवंटन शीघ्र होगा डीएमसीएच का भवन निर्माण। लरियासराय रोज पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने दिखाए अपने मेहनत से वैज्ञानिक उपकरण। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में 8 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता जोश फेस्ट का आयोजन। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू करो, एम्स निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग। राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद द्वारा दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का किया गया सम्मान। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर घंटों बाधित रहा ट्रेन सेवा। आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा 7 फरवरी को एकल व्याख्यान का होगा आयोजन। दरभंगा ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बोले संजय जायसवाल। दरभंगा के ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक पहली बार दरभंगा में होने के बाद कई व्यक्तियों को सम्मानित के बाद जब बैठक समाप्त हुई तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि इस बैठक में जो भी निर्णय होगा उसे पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आप पर लागू करेंगे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हर प्रदेश में कार्यकारिणी होती है और उसी के तहत हो रही है। जो केंद्र से हमें मार्गदर्शन मिला है उसके आलोक में बिहार में आगे भविष्य की का रास्ता कैसे तय करना, इसको लेकर के ही पूरी की पूरी बैठक होगी और इस 2 दिन के मंथन से जो भी निर्णय होंगे वह पूरे बिहार में उन निर्णयों का पालन करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता करेगा। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए वीक्षकों का हुआ रेंडमाइजेशन। 1 फरवरी से 11 फरवरी तक दरभंगा के 62 परीक्षा केंद्रों पर होगी आयोजित। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में जिला शिक्षा विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और आईटी प्रबंधक संजय कुमार सहनी की उपस्थिति में सभी 62 परीक्षा केंद्रों के लिए वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु रेंडमाइजेशन किया गया। सदर अनुमंडल के 52 परीक्षा केंद्रों के लिए 2113 पुरुष वीक्षक और 1520 महिला वीक्षक, कुल 3633 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं बेनपुर अनुमंडल के 3 परीक्षा केंद्रों के लिए 376 पुरुष वीक्षक और 180 महिला वीक्षक की
कुल 556 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं आपको बता दें बिरौल अनुमंडल के 7 परीक्षा केंद्रों के लिए 452 पुरुष शिक्षक और 156 महिला शिक्षक कुल 608 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार डॉक्टर के एन मिश्रा ने कहा कि पहले हुआ पो की स्थिति थी कि डीएमसीएच यहां रहेगा या फिर एम्स भी बनेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री के द्वारा कहने के बाद अब यहां की तैयारी की जा रही है। 1035 रुपए राशि आवंटित किए गए हैं ताकि यहां भवन का निर्माण किया सके, इसे लेकर मास्टर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। अभी 2-3 वर्षों से विगत वहाँ पो की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी कि क्या हम रह पाएंगे या हम यहाँ से दूसरे जगह चले जाएंगे या हम सिर्फ संकुचित हो जाएंगे सब जमीनों में, जिसमें हमें इलाज करने में काफ़ी दिक्कत होगी, मरीजों को भी हम सुविधा नहीं दे पाएंगे। और यह 2-3 साल जो हम लोगों का बीता है इसमें हम लोग इसी उधेर बुन में पड़े हुए थे कि हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे मरीजों को सेवा दे सकते हैं। लेकिन अभी विगत कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद और घोषणा के बाद हम लोग काफ़ी हर्षित में हैं कि अब हमें अपना जो भी पूरा अस्तित्व था वह बच गया है। अब हम मरीजों को अधिक से अधिक सेवा देने के लिए अपने को विकास करना चाहेंगे और इस मेडिकल कॉलेज को उस मानक पर लाना चाहेंगे कि देश का जो भी कोई बड़ा सा बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मरीजों का इलाज यहीं हो जाए और कहीं भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना पड़े, रेफर नहीं करना पड़े, उसे हम यहीं करें। सरकार मेहनत से वैज्ञानिक उपकरण। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित रोज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से देश की सुरक्षा, हॉर्टिकल्चर एवं विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपनी प्रतिभा से स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों को भी चौंका दिया। इस मौके पर निर्देशक का कहना था कि बच्चों के बीच प्रतिभा निखारने के लिए साइंस एग्जीबिशन काफी महत्वपूर्ण है। आज जो साइंस एग्जीबिशन था उसमें 3 तरह के प्रोग्राम्स थे, एक हार्ट साइंस एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि बहुत बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे अलग अलग उनके करिकुलम में, उनके जीवन में साइंस का जो रोल है वो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। दूसरा पार्ट था आर्ट एंड कल्चर, वो जो बच्चे ने आसपास में अलग अलग आर्ट्स देखते हैं जैसे मिथिला पेंटिंग यहाँ का मशहूर है, डल पेंटिंग हमने देखा, मंडाला पेंटिंग, तो उस तरह की चित्रकारी, अलग अलग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, वो सब के बारे में बहुत सारे एग्जिबिट्स थे। तीसरा जो अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं देश की हालत और बेहतर बनाने के लिए, जैसे और देश की सिक्योरिटी के लिए, जैसे अग्निपाइप प्रोजेक्ट्स पे आपने एग्जिबिट्स देखे, आपने स्मार्ट सिटीज़ पे एग्जिबिट देखा, दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखे, उस तरह के 3 तरह के प्रोजेक्ट्स थे। आयोजित सम्मान समारोह में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा को पाग और चादर से सम्मानित किया गया। महापौर ने अपने संबोधन में कहा कि मैं अपने प्राप्त अधिकार के आधार पर इस चिकित्सालय के विकास में अपने महत्वपूर्ण योगदान करूंगी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अधिकाधिक वृक्षारोपण करें ताकि नगर निगम क्षेत्र के साथ आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो सके। उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को भी काफी लाभ होगा। यहाँ बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया, हमको नहीं लगता है कि वृक्षारोपण से कोई परेशानी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक पौधा। कर्मण करने वाले की सूची जारी क्यों नहीं सहित कई सवालों को लेकर आज कर्पूरी चौक पर आईसा आरवाईए इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना सभा की अध्यक्षता आरवाईए राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने किया। धरना सभा की अध्यक्षता करते हुए संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा एम्स पर दरभंगा के आम नागरिक को गुमराह कर रही है,
जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा नेता 2 साल से सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। 17 साल बिहार में शासन करते हुए हमेशा स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखने वाली भाजपा डीएमसीएच में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू नहीं करवा पाए। डीएमसीएच में बनकर तैयार वर्षों पूर्व सुपर स्पेशलिटी वार्ड आज तक चालू नहीं होता। साथ ही साथ एम्स को लेकर के आज तक उन्होंने एक भी ईटा गिराने का काम नहीं किया, लेकिन दरभंगा वासियों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि विश्वविद्यालय का जो शिक्षा निदेशालय है जो केंद्र सरकार के अधीन है यूजीसी के माइनोरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मनसुख नगर एकमी घाट लहरिया के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रबंध निदेशक मिर्शाद शौकत ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन दरभंगा के जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी करेंगे। जो आयोजन हमारे यहाँ 2018 से हो रहा है और काफी अच्छे से होता है, इसमें सारे कॉलेज के बच्चे फैकल्टी सारे लोग इसमें इसका हिस्सा होते हैं। सारे सारे गेम में से क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, बैडमिंटन है, सारे गेम्स इसमें पूरा होता है। 30 से स्टार्ट होगा, 5 फरवरी तक चलेगा। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आएंगे और DSSP आएंगे, DSSP आएंगे और 5 तारीख को ऑनरेबल हो। होगा आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सहयोग तत्वाधान में आगामी 7 फरवरी को महाकवि कालिदास और मिथिला विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने वाले सभी शिक्षकों, शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों को फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा मुख्य वक्ता के रूप में उक्त विषय पर देंगे एकल व्याख्यान, जिसमें व्याख्यानकर्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा जी होंगे। इनके व्याख्यान से हम सबों को इस बुद्धि को सुलझाने में योगदान मिलेगा। बाधित रहा, जिसके कारण दरभंगा समस्तीपुर के बीच यात्री फंसे रहे। ट्रेन जगह जगह रुकी रही और यात्री घंटों ट्रेन में परेशान होते दिखाई दिए। बता दें कि हायाघाट स्टेशन के पास रेल बिजली का तार टूट गया था, जिसके कारण इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेन का परिचालन घंटों बाधित हो गया। आइए जानते हैं यात्रियों ने क्या कुछ कहा है। कि आप लोग कहाँ जाने के लिए आए थे? टाटा जमशेदपुर। क्या हुआ? जाना है, गाड़ी आएगा तब जाएंगे। नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या तार टूट गया है? थलवारा पेपर मिल के बीच में कहीं तार टूटा हो। वैसे रिश्ता तो 3-4 घंटा था। तार टूटा है 8 बजे। अच्छा, तो फिर उसको क्या किया जा रहा है? रिपेयरिंग के लिए गाड़ी गई है। क्या नाम हुआ आपका?